हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिजिटल क्लास ऑफ एलबीएस स्कूल। माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स जिसको कहावतें भी कहा जाता है या कहावत कहा जाता है। प्रोवर्ब्स आर क्लेवर सेइंग दैट वी यूज़ इन आवर डेली स्पीच। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? एक क्लेवर सेइंग्स होते हैं जिसको मनी मनते मराठी मध्ये, दैट वी यूज़ इन आवर डेली स्पीच। प्रोवर्ब्स यूजुअली हैव अ मॉरल और अ मैसेज। और इस प्रोवर्ब्स का एक मॉरल होता है या मैसेज होता है जिससे हमें सीख मिलती है। ओके, तो देखो यहाँ पर ऐसे ही कुछ मॉरल्स है, कुछ प्रोवर्ब्स है जो मैंने यहाँ पर आपको कलेक्ट किए हैं। देखो, पहला हमारा है अ स्टिच इन टाइम्स सेव्स नाइन। देखो, एक ये प्रोवर्ब है जो कहावत जिसे कहेंगे हम। प्रोवर्ब मतलब क्या? देखो इसका मीनिंग है यहाँ पर अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ओके, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन्स मतलब वर्क हार्डर जस्ट नाउ, मतलब अभी जितनी मेहनत हो सकती है अभी मेहनत करो एंड यू विल सेव टाइम एंड एफर्ट। अगर अभी आप जो काम कर रहे हो वो मेहनत से करोगे, पूरी सच्ची लगन के साथ अभी करोगे, तो भविष्य में फ्यूचर में आपका समय भी बच जाएगा और आपका जो मेहनत है वो भी बच जाएगी। ओके, देखो ये तो आपने सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज़ एक एप्पल खाओगे तो आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीनिंग क्या है? ईटिंग एन एप्पल अ डे विल कीप यू हेल्दी, मतलब एक एप्पल रोज़ खाने से क्या हो सकता है, आप हेल्दी रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोवर्ब, नेक्स्ट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ये बहुत बार आपने सुनी होगी आपके पेरेंट्स से या आपके नानी नाना या दादी दादा से, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। मतलब क्या? अंथरून पाहुन पाए पसरावे, मीनिंग यू शुड ओनली स्पेंड व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उतना ही खर्च करो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ओके,